नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के इस वीडियो में। साथियों, आज के इस वीडियो में हम देखने वाले हैं स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की एक धमाकेदार स्कीम के बारे में, जिसके अंदर आपको काफ़ी अच्छा रिटर्न मिलने वाला है। आराम से एफडी से आप 2 से 3 गुना रिटर्न आप आराम से ले सकते हो। साथियों, स्टेट बैंक मतलब भरोसा। बहुत सारे लोगों ने इस स्कीम के अंदर पैसा लगाया हुआ है। अगर आप भी इन्वेस्टमेंट करना चाहते हो तो आपके लिए बेस्ट अपॉर्चुनिटी है स्टेट बैंक का ये स्कीम, जिसके अंदर आप आराम से मंथली पैसा लगा सकते हो और एक साथ लगाना है तो भी लगा सकते हो। आज की इस वीडियो में हम डिटेल में देखने वाले हैं कैसे आप इसके अंदर खाली 2000 रुपये लगा के आराम से 30 लाख तक कमा सकते हो। तो चलो स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। आगे बढ़ने से पहले अगर दोस्तों आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए। सबसे पहले बात करें तो ये स्कीम का नाम है SBI ब्लू चिप फंड। जी हाँ दोस्तों, एक म्यूचुअल फंड है। साथियों, म्यूचुअल फंड मतलब रिस्क। क्यों रिस्क? क्योंकि म्यूचुअल फंड मतलब आपका पैसा जाता है शेयर मार्केट में। शेयर मार्केट में रिस्क है ये तो पता ही है, लेकिन आप इसमें ज़्यादा इन्वेस्टमेंट मत करो। आपकी कैपेसिटी है उसके हिसाब से आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। सबसे पहले हम देखें तो इसका रिटर्न, इसने लास्ट छः महीने में 15.80% का रिटर्न निकाल के दिया है। अभी आगे बात करें तो एक साल का इसने रिटर्न निकाल के दिया है 20.06, यानी कि 20% रिटर्न निकाल के दिया है। अभी साथियों, 3 साल की हम बात करें तो 3 साल में इसने रिटर्न निकाल के दिया है 23.44%, यहाँ पे इसने रिटर्न निकाल के दिया है। और 5 साल की बात करें तो 5 साल का रिटर्न इसने 15.33% इसने रिटर्न निकाल के दिया है। अभी साथियों, ओवर टाइम मतलब ये फंड आया है तब से ये फंड ने रिटर्न निकाल के दिया है 15.35% का इसने अच्छा रिटर्न निकाल के दिया है। अभी साथियों, हम आगे बात करें तो ये स्कीम का एक्सपेंस रेशियो कितना है। एक्सपेंस रेशियो मतलब क्या? एक्सपेंस रेशियो मतलब आपका फंड जो मैनेज करता है म्यूचुअल फंड, वो फ्री थोड़ी करेगा, आपके पास उसके बदले में चार्ज लेगा, उसको बोलते हैं एक्सपेंस रेशियो। इसका एक्सपेंस रेशियो 0.87, यानी कि काफ़ी एक अच्छा एक्सपेंस रेशियो है। अभी साथियों, बात करते हैं इसकी एग्जिट लोड। एग्जिट लोड मतलब आपको बीच में बंद कर देना है म्यूचुअल फंड, तो इसका एग्जिट लोड आप यहां पे देख सकते हो 1%, यानी कि 1% जितना चार्ज कटेगा और आप आराम से इसके अंदर एग्जिट कर सकते हो। अभी साथियों, हम आगे बात करें तो इस फंड का साइज़ है 38,800 करोड़, यानी कि इतना सारा पैसा लोगों ने लगाया है। अप्रोक्स 40,000 करोड़ रुपया लोगों का लगा है, इसलिए स्कीम अच्छी होगी तो ही लोग लगाएंगे, ऐसे ही थोड़ी लगाएंगे। अभी आगे बात करते हैं, आपके पास तो पैसा ले लिया लेकिन ये पैसा डालता कहाँ है, यानी कि होल्डिंग्स। ये पैसा डाला है HDFC बैंक में, 10% टोटल म्यूचुअल फंड का पैसा 10% HDFC बैंक में गया है। फिर ICICI बैंक में इसने 8% डाला है, ITC में 4.5% डाला है, फिर L&T में 5.5%, फिर इन्फोसिस में 5%, बजाज फाइनेंस में 4.5%। फिर आगे बात करें तो रिलायंस इंडस्ट्रीज़ में इसने 4.5%, पेज इंडस्ट्रीज़ में 3.5%, ब्रिटानिया इंडस्ट्रीज़ में 3.5%, डेविस लेबोरेटरी में 2.5%, यहाँ पे इन्वेस्टमेंट किया है। एक अच्छा रिटर्न है, अच्छी सब कंपनियाँ है। अभी साथियों, बात करें तो कितना आप इन्वेस्टमेंट करोगे उसके सामने कितना रिटर्न मिलने वाला है। आप यहाँ पे 2000 रुपये हर महीने लगाओगे 10 साल तक तो टोटल आपका इन्वेस्टमेंट हो जाएगा 2,40,000 रुपये, और इसके सामने आपको मिलने वाला है 5,57,000 रुपया। अभी आगे बात करें कि अगर आप 2000 रुपया 15 साल तक लगाओगे तो आपका टोटल पैसा लगने वाला 3,60,000, और उसके सामने आपको रिटर्न मिलेगा 13,54,000, यानी कि काफ़ी अच्छा एक रिटर्न है। अभी 2000 रुपये हम 20 साल तक इन्वेस्टमेंट करें तो टोटल हमारा इन्वेस्टमेंट हो जाएगा 4,80,000, और उसके सामने जो रिटर्न मिलने वाला वो है 30,32,000 रुपया हमको रिटर्न मिल जाएगा। अभी साथियों, हम आगे बात करते हैं तो इसमें 2000 रुपये हर महीने हम लगाएंगे 25 साल तक तो हमारा इन्वेस्टमेंट हो जाएगा 6,00,000, और उसके सामने आपको मिलेगा 65,68,000 रुपया, यानी कि काफ़ी एक अच्छा रिटर्न आप बना कमा सकते हो इसके अंदर। वही 2000 रुपया हम 30 साल तक इन्वेस्टमेंट करेंगे तो यहाँ पे टोटल इन्वेस्टमेंट हो जाएगा 7,20,000, और उसके सामने मिलने वाला है 1,40,00,000, यानी कि 1.5 करोड़ रुपया आप आराम से कमा सकते हो इसके अंदर। SBI की ऑनलाइन भी आप ये म्यूचुअल फंड ले सकते हो, और आप कम पैसा डालिए, ज़्यादा मत डालिए इसके अंदर, क्योंकि ये शेयर मार्केट है, रिस्क है। तो चलो दोस्तों, जय हिंद जय भारत।